नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीची गूगल के चैनल पे। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं एक न्यूज़ का एक्सपोज। तो यहाँ पे मेरे को एक व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ आता है कि नेटफ्लिक्स हमें फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है जब तक ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। गाइस, वैसे कोरोना के पीरियड से तो हम सबका दिमाग ख़राब हुआ हुआ है, तो कुछ लोग इसके फ्रस्ट्रेशन में आके इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो देखते हैं इस लिंक पर क्लिक करने से क्या होता है। क्लिक करने से पहले मैं वीपीएन ऑन करना चाहूँगा गाइस। ये अल्ट्रा सर्फ का वीपीएन है गाइस, फ्री है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ वीपीएन स्टार्ट हो गया और अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, जैसे मैंने लिंक पर क्लिक किया तो आवाज़ ने मेरे को शो किया कि भाई ये एक फ़िशिंग साइट है, यहाँ मत जाओ। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ ये फ़िशिंग साइट एक्चुअली में होती क्या है। फ़िशिंग साइट वो साइट होती है गाइस जिसे बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी डिटेल्स चुराने के लिए। तो गाइस, अगर आप ऑनलाइन कभी जाओ और देखो तो आपको बहुत सारी ऐसी फ़िशिंग साइट मिल जाएंगी। खासकर ये सारी फ़िशिंग साइट तब बनाई जाती हैं जैसे इंस्टाग्राम का पासवर्ड चुराने के लिए, या फेसबुक का पासवर्ड चुराने के लिए, या आपका बैंक डिटेल्स चुराने के लिए, तब ये फ़िशिंग साइट्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। गाइज, मैं आपको कभी और एक ट्यूटोरियल बना दूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एक फ़िशिंग साइट बना सकते हैं काली लिनक्स की मदद से। गाइज, जो फ़िशिंग साइट होती है उन्हें पहचानने का एक सबसे सिंपल तरीका होता है उनका यूआरएल देख के। उनके यूआरएल हमेशा ऐसे अजीब से ही होंगे, जैसे अब इसमें था नेटफ्लिक्स यूएसए डॉट नेट। गाइस, फेसबुक ने भी अपने आप को फिशिंग से बचाने के लिए उसने बहुत सारे डोमेन परचेज कर लिए थे। जैसे आप fb.com सर्च करो तब भी फेसबुक पे जाता है, fb.in सर्च करो तब भी फेसबुक पे जाता है, facebook.com सर्च करो तब भी फेसबुक पे जाता है। तो उसने ऑलमोस्ट ज़्यादा यूआरएल परचेज कर लिए थे जिससे कि लोग फिशिंग साइट से बचे। तो जो ये फिशिंग साइट होता है ये हमेशा अजीब से यूआरएल रखते हैं। गाइज, ऐसे अजीब यूआरएल पे क्लिक करने से बचे और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और उनकी भी डिटेल्स को सेफ रखो गाइज। और गाइज, ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलो। आपके घर से बाहर निकलने से कोरोना और ज़्यादा स्प्रेड होगा और कुछ नहीं होगा गाइज। गाइज, जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहा है और घर से बाहर अभी भी निकल रहा है, बेफालतू में निकल रहा है, गाइज ये कोरोना जो है एक बहुत भयंकर बीमारी है। इससे बचना है तो आपको घर के अंदर रहना होगा। गाइज, आप घर से बाहर निकल के इस कोरोना को और ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। गाइज, कुछ दिन घर में रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, आराम कर लो यार। गाइज, आपके बाहर जाने से सिर्फ आपको ख़तरा नहीं, आपके पूरे परिवार को ख़तरा हो सकता है कोरोना से। तो गाइज, सेफ रहे और घर पे रहे।